start our chapter, Deep Water from Flamingo Book. So guys, let us start. So let us start. So guys, ये जो Deep Water chapter है वो एक ऐसे है जो कि विलियम डगलस ने एक बुक लिखी थी ऑफ मैन एंड द माउंटेन्स, उनमें उस बुक में से ये ऐसे लिया गया है, ठीक है। और आप इसको अपने क्वेश्चन में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो ये डीप वाटर है ये एक ऐसे है जो कि ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है, जिससे आपका क्या होगा बेनिफिट कि आपके आंसर जो होंगे वो और ज़्यादा ब्यूटीफाई होंगे, स्पेसिफाई होंगे, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। और जो आपके जो टीचर हैं वो जब आपके उस आंसर को चेक करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस बच्चे को एक्स्ट्रा नॉलेज है और वो आपको मार्क्स और एक्स्ट्रा ही देंगे, ठीक है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो डीप वाटर है ये विलियम डगलस ने इसमें अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, यानी कि अपने ही बारे में इसमें कुछ लिखा है, ठीक है। तो इसके अंदर वो अपनी एक स्टोरी रिवील करेंगे कि जब वो यंग थे तो जब वो स्विमिंग पूल में ड्रोन हो गए थे तो फिर मतलब डूब गए थे, तो उन्होंने किस तरीके से उस फियर ऑफ वाटर को ओवरकम किया था, कॉन्कर किया था, यानी कि उस पर किस तरीके से जीत हासिल करी थी, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें स्टार्ट करने से पहले ये भी जान लेते हैं कि जब मतलब स्टार्ट, तो गाइस अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब विलियम डगलस 9 और 10 ईयर ओल्ड के थे तब वो स्विमिंग सीखने का सोचते हैं, ठीक है। फिर वो सोचते हैं कि याकिमा रिवर जो कि वहीं पे है और एक याकिमा में ही एक YMCA स्विमिंग पूल है, ठीक है। वो सोचते हैं कि मैं किधर जाऊँ, फिर वो सोचते हैं कि मैं YMCA पूल ही चला जाता हूँ क्योंकि जो याकिमा रिवर है वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग है, डरावना है। वो इसको इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि एक वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ होता है उनके साथ, क्योंकि जब वो 3 और 5 ईयर ओल्ड की होते हैं तो उनके जो फादर होते हैं वो उनको वहाँ याकिमा रिवर में मतलब लेके जाते हैं, जो कि होता है कैलिफोर्निया में, ठीक है। तो फिर वहाँ क्या होता है कि जब वो सब बोर्ड पे खड़े होते हैं, दोनों टुगेदर स्टूड अप होते हैं, तो इतने में ही एक वेव उन्हें नॉक डाउन कर देती है। नॉक डाउन का मतलब होती है कि वेव का सडन आना और जो ऑथर है यानी कि हमारे विलियम डगलस हैं वो पानी के अंदर डूब जाते हैं, ड्राउन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा जब से ही उनके एक फियर ऑफ वाटर है वो उनके साथ ही चलता रहता है, ठीक है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड करते हैं, कम कर देते हैं अपना स्विमिंग पूल वगैरह में जाना। बट जब वो 9 और 10 ईयर्स के ओल्ड होके होते हैं, जब वो सोचते हैं कि मैं दोबारा से शुरू करता हूँ स्विमिंग सीखना, ठीक है, फिर वो एक YMCA पूल जाते हैं और वहाँ जाके स्विमिंग पूल के एच पे बैठ जाते हैं। एच का मतलब होता है कॉर्नर, तो यानी कि कॉर्नर पे वो बैठ जाते हैं और वो स्विमिंग पूल को देख रहे होते हैं। इतने में ही एक यंग बॉय आता है जो कि मतलब 18 ईयर्स ओल्ड का होता है, ठीक है, और वो आके ऑथर को उस पानी में धक्का दे देता है, पुश कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो ऑथर है उनके अंदर एक फियर ऑफ वाटर तो होता ही है, तो वो जब पानी में गिर जाते हैं तो जो उनका फियर होता है फिर से वो वापस आ जाता है और ज़्यादा बढ़ के आ जाता है। और वो जब पानी में जाते हैं तो एकदम उनके मतलब सांस नहीं आती है, वो फ्राइटेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा डर लगा होता है उन्हें कि अब वो कैसे बचेंगे। बट इतने में उनके माइंड में एक प्लान आता है कि जब वो बॉटम पे जाएंगे इस स्विमिंग पूल के, यानी कि इस बॉटम का मतलब वो नीचे जब तक जाएंगे स्विमिंग पूल पे, तो उनके जो लेग्स हैं उससे वो हिट करेंगे बॉटम ऑफ दी स्विमिंग पूल, ठीक है। जिससे क्या होएगा, जब वो हिट करेंगे तो एकदम से ही सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है, ये उनका प्लान होता है। बट जब वो ऐसा मतलब वो करते हैं लेकिन ये उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि जब वो पानी के बिल्कुल बॉटम पे जाते हैं स्विमिंग पूल के, इतने में ही उनकी मतलब वो आउट ऑफ येल हो जाते हैं, उनको सांस नहीं आती है, ठीक है, वो सांस लेने की कोशिश करते हैं उनको नहीं आती है, वो आउट ऑफ विट्स होते हैं उस टाइम पे, ठीक है, उनके हाथ पर कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है, वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। फिर वो पूरा ट्राई करते हैं बट वो कुछ उनका मेथड कोई काम नहीं करता, उनका प्लान कोई काम नहीं करता, वो सोचते हैं कि अब तो बस मेरी डेथ मेरे नियर है और मैं मर ही गया हूँ लगा लो, ठीक है। वो अपने आँखों को क्लोज करते हैं और वो सोचते हैं कि बस अब वो मर गए हैं, ठीक है। इतने में कुछ देर बाद क्या होता है, उन्हें एकदम से धूप मतलब जो सनरेज है उनकी आँखों पे लगती है, वो एकदम से आँख खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वो स्विमिंग पूल के बाहर हैं,
ठीक है, और उनको वोमिट जैसा यानी उल्टी जैसा फील होता है बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, ठीक है। और जिस बॉय ने उन्हें गिराया होता है वो भी वहीं होता है, और वो उनसे कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये जो इतना सा मजाक था वो आपके लिए इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस दिन की रात जब वो गिरे होते हैं उस वाटर में, उस दिन वो ना सोते हैं ना वो कुछ खा पाते हैं, उनका जो डर होता है वो उनको बार बार रिवाइव्ड करता रहता है, उनको वही वो डर बार बार सता रहा होता है। तो उस दिन के बाद गाइस वो जो विलियम डगलस हैं वो अपना स्विमिंग पूल की ट्रिप्स, फिशिंग ट्रिप्स, कैनोइंग एंड ऑल जो भी ये सब होता है वो उस दिन सबको डिप्राइव कर देते हैं। वो स्विमिंग पूल वगैरह से, फ़िशिंग वगैरह से एकदम दूर हटते चले जाते हैं। वो सोचता है कि अब मैं इन सबको छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि उनको बार बार वो जो डर होता है वो एक फ्राइटेंड जो होता है उनके मन में वो उनको रिवाइव कर रहा होता है बार बार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है गाइस, जब विलियम डगलस बहुत टाइम तक अपनी ईयर्स तक अपनी ये सब को मतलब इग्नोर करते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं करना, ठीक है, फिर वो कुछ टाइम बाद सोचते हैं कि अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा क्योंकि मैं अपना जो लाइफ का सारा फ़न है वो इसको ख़त्म करते जा रहा हूँ। तो फिर वो एक दिन सोचते हैं क्यों ना मैं इस डर पे ओवरकम करूँ, ठीक है। फिर वो ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्टर यानी कि जो उनको स्विमिंग सिखाएगा, ठीक है। फिर वो उन्हें हायर करते हैं, वो वीक्स में 5 डे अपनी क्लास लेते हैं, एंड वो जो 5 डेज क्लास लेते हैं वो 1 आवर की होती है, ठीक है। उनके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो उनके जो बेल्ट है वो उनके अराउंड बांध देते हैं जो कि एक पुले से कनेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि जब भी विलियम डगलस वाटर में जाएंगे उस पुले से वो उसमें स्विम कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर डैट क्या होता है ना कि उनको वो सिखाते हैं 100 टाइम्स की अब वाटर के अंदर इनहेल और एक्सहेल कैसे करना है, सांस लेनी और छोड़नी कैसे है। उसके बाद वो उन्हें सिखाते हैं कि जो लेग्स हैं वो उनको कैसे चलाना है वाटर के अंदर, ठीक है। ऐसे करते करते मतलब 5 मंथ्स के बाद जो विलियम डगलस हैं वो स्विमर मतलब बन जाते हैं, उनको धीरे धीरे आ जाता है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके हर एक पार्ट को ना प्रैक्टिस कर करके उनके हर बॉडी पार्ट को सेपरेटली एकदम सिखा देता है, उनको लर्न करा देता है, ठीक है। फिर बिट बाय बिट क्या होता है कि जो उनके होल मतलब कि जो पार्ट्स हैं वो उनको इंटीग्रेटेड करते हैं, यानी कि सबको जोड़ते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे क्या सीखा है, और वो स्विम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट वो इतना श्योर नहीं होते कि मतलब मैं एकदम स्विमर बन चुका हूँ या नहीं बन चुका, लेकिन तब लेकिन जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं उनको वो बना चुके होते हैं अच्छे से स्विमर, ठीक है, आउट ऑफ द डगल्स, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है नेक्स्ट उसमें कि वो श्योर नहीं होते कि मैं बन चुका हूँ या नहीं बन चुका, तो फिर वो एकदम सोचते हैं क्यों ना मैं इस चीज़ को ट्राई करूँ कि मुझे आया है या नहीं आया, और उस ट्राई के लिए वो जाते हैं लेक वेंटवर्थ, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, वो जाते हैं लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फेयर, यानी न्यू हेमिस्फेयर में लेक वेंटवर्थ उसका नाम है लेक का, ठीक है। वहाँ जाते हैं और वो डाइव ऑफ करते हैं, डाइव ऑफ का मतलब होता है उसमें डुबकी मारते हैं, ठीक है। और वो कहाँ पे मारते हैं, एट ट्रिगर्स आइलैंड, ठीक है, और जो ट्रिगर्स आइलैंड है वो एक डॉक है, ठीक है। आपको डॉक का मतलब मैं बता दूँ, डॉक का मतलब होता है जहाँ पे सारी शिप्स आके रुकती हैं, ठीक है। फिर वो ट्रिक्स आइलैंड पे जाते हैं और वहाँ से स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस, यानी 2 माइल्स अक्रॉस तक वो स्वैम करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, वो जाते हैं लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, ठीक है। इस तरीके से वो पूरा का पूरा अपना राउंड लेते हैं, और उससे उन्हें पता चल जाता है कि वो स्विमिंग सीख चुके हैं, वो एक स्विमर बन चुके हैं, और उनका जो डर है वो एकदम ख़त्म हो चुका होता है। वो पूरी मतलब अपना करेज जो है उसको बनाए रखते हैं, और इस तरीके से वो आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पहुंचने के बाद वो एकदम प्राउडली कहते हैं कि मिस्टर टेरर, यानी कि मेरे डर, देख लो मैंने तुम्हें ओवरकम कर दिया, ठीक है। अपने टेरर को ये कहते हैं कि मैंने आप पे अपनी विजय पा ली है, मैं जीत चुका हूँ अपने डर से, ठीक है, जो कि फियर ऑफ वाटर उनके पास था, ठीक है। तो ये स्टोरी इतनी ही थी, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ इसके अंदर, इसकी थीम, ठीक है, जो इसकी थीम है वो है
स्ट्रॉन्ग विल पावर टू लर्न स्विमिंग, यानी कि जो हमारी स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, तो इस चैप्टर में हम देखें तो स्ट्रॉन्ग विल पावर किस चीज़ के लिए थी, स्विमिंग के लिए। तो उनकी जो स्ट्रॉन्ग पावर इतनी मजबूत थी कि वो स्विमिंग सीख जाते हैं, तो ये इसकी थीम थी, ठीक है। और हमारा इसका मोरल ये है कि जब हमारा जब हम किसी चीज़ को लेकर डिटरमाइंड होते हैं, हमारा करेज बना होता है, चाहे हमारी कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल आए, फियर हो या एनीथिंग एल्स, ठीक है, अगर हम अपनी होप नहीं तोड़ते हैं तो हम एक ना एक दिन उस पर कॉन्कर्ट कर लेते हैं। कॉन्कर्ट करने का मतलब है कि हम उस पर विजय पा लेते हैं, ठीक है। सो गाइस, दिस इज़ एंड ऑफ आवर वीडियो, होप यू लाइक इट, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो। थैंक यू। एंड वन थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ चेक इट आउट।